चलिए दोस्तों लेकर आ गया आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक नया जबरदस्त वीडियो के साथ आ गया हूं मैं आप लोगों के पास। और आज हमारे पास है प्रोबेबिलिटी मोस्ट हाइप नाइट मोड कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओप्पो F19 Pro Plus के बारे में। और ये फोन दोस्तों मैं करीबन एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग वीडियो इसलिए नहीं डाले कि ताकि डिटेल रिव्यू डाल के आपको डायरेक्टली दे दे। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप ये ज्यादा प्रेफर करते हैं या फर्स्ट इंप्रेशन से अनबॉक्सिंग, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपकी राय। और इसका ही हमारे पास दोनों ही कलर है, दोनों को ही करेंगे अनबॉक्सिंग, देंगे आपको हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में डिटेल्ड इंप्रेशन। पर उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन बजाइए और भी जैसे हमारे वीडियो का सबसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो नया वीडियो अपलोड करते हैं। और चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं और सभी कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यही है हमारे पास ओप्पो F19 Pro Plus 5G का बॉक्स, यहाँ पे ऐसी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया, करते इसको अनबॉक्स। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो दोस्तों यार जल्दी से करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले आ जाता है एक क्लियर टिप यू केस, फिर आ जाता है ये बेसिक बिना ज्ञान के ज्ञान वाली बात है, सिम इजेक्टर पिन, और ये है मेन फोन, बहुत ही हल्का है, रखते हैं इसको साइड में, देखते और भी क्या है बॉक्स में। और ये एक तो दोस्तों यार बात हो गया है, उन लोग ने इसको भेजना भूल गए थे, सो नो प्रॉब्लम, ये अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स इसके साथ आ जाते हैं। और ये 30 वाट का दोस्तों चार्जर आता है। फिर दोनों कलर है हमारे पास दोस्तों, फ्लूइड ब्लैक और स्पेस सिल्वर, देखने में बहुत ही अच्छे। इसमें और एक कलर आता है जिसका नाम है कॉस्मो ब्लू, नीचे आ जाते हैं ओप्पो की ब्रांडिंग। और यहाँ पे है क्वाड कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश 5G लिखा हुआ, वहाँ पे उसका नीचे है AI कैमरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखा है। ये दोनों 5G और AI कैमरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। पॉट्स एंड बटन्स की बात करें तो राइट साइड में आ जाता है पावर ऑन ऑफ बटन, और कुछ नहीं है, पूरा क्लीन है। और लेफ्ट साइड में आ जाता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन अलॉन्ग विथ सिम कार्ड ट्रे, और जो सिम कार्ड ट्रे है दोस्तों वो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट वाला है अलॉन्ग विथ डुअल सिम सपोर्ट। फिर नीचे आ जाता है दोस्तों स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी, प्राइमरी माइक्रोफोन, 3.5mm हेडफोन जैक, बहुत ही प्यारा। और ऊपर आ जाता है सेकेंडरी माइक्रोफोन फॉर नॉइज़ कैंसिलेशन। तो मतलब ये देख के ना बहुत खुशी हुआ कि नीचे 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है। और सामने आ जाता है दोस्तों पंच होल वाला सेटअप, जहाँ पे गोल्ड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। और ये स्क्रीन दोस्तों देख के बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, इट्स क्लियर, 800 निट्स तक का ब्राइटनेस भी जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है FHD+, 6.43 इंचेस का 99.8 cm² वाला केस पहना के अगर देखते हैं दोस्तों तो केस पहले थोड़ा बहुत टाइट होता है, बट आफ्टर दैट इट्स रियली नाइस। और डिस्प्ले की ही हम और भी अगर बात करें तो 1080x2400 pixels से 20:9 रेशियो का 409 PPI डेंसिटी। इसी के साथ साथ दोस्तों आ जाता है कोडलिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, तो मतलब मज़ा आ गया। और वेट है सिर्फ 173 grams, और ये देख के मतलब बहुत ही लाइट है। UFS 2.1 का सपोर्ट आ जाता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज। इसी के साथ साथ दोस्तों और कुछ नहीं आता है, और क्या बोले दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा, क्योंकि एमोलेड है, ब्लैक्स लुक लाइक ब्लैक्स, वाइट्स लुक लाइक वाइट्स, बहुत ही अच्छा है। और साउंड की अगर मज़ा लेते हैं ऑडियो क्वालिटी में दोस्तों मज़ा आ गया। और इसमें ब्लॉटवेयर्स देख के उतना मज़ा नहीं आया जितना ऑडियो क्वालिटी सुन के आया, बट दो तीन दोस्तों जैसे ब्लॉटवेयर्स आते हैं वो तो आ ही जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं देन बेसिक सेटिंग्स में इसमें आ जाता है माली G57 का MC3 GPU, फिर CPU आ जाता है ऑक्टा कोर 4 GHz का, 2 है कॉटेक्स A76 का। इसी के साथ साथ आ जाता है मीडिया टेक डायमेंसिटी 800U 5G 7nm का चिपसेट, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स भी। तो बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल सेटिंग्स में किए थे तो उसमें दोस्तों 280,000 के अंदर आया था, और जब सेकेंड टाइम हमने
कंपटीशन मोड मतलब फुल पावर मोड में किया तब 2,90,000 आया था। सो रेस्पेक्टेबल स्कोर्स है एंड बहुत ही अच्छा बहुत ही मज़ा आता है, आपको हैवी ड्यूटी गेम्स इजीली खेल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गेम प्लेस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, बहुत ही स्मूथ, एक फ्रेम ड्रॉप्स बहुत कम नहीं देखने को मिले हैं और बहुत ही स्मूथ एक डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ओवरऑल दोस्तों वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा की, और कैमरा ऐप में फ़ीचर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त फीचर्स है। एक्स्ट्रा HD है, फिर नाइट मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, जो स्टैंडर्ड ओप्पो रियलमी के फ़ोन्स में आते हैं वो सभी कुछ है। 48 मेगापिक्सल का आ जाता है मेन कैमरा, फिर आ जाता है दोस्तों इसका और भी तीन छोटे छोटे भाई, एक है 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल मैक्रो कैमरा, फिर आ जाता है 2 मेगापिक्सल का एक और छोटा पोर्ट्रेट मोनो कैमरा, और इसी के साथ साथ दोस्तों आ जाता है एक और 2 मेगापिक्सल मैक्रो मोनो कैमरा। बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ साथ दोस्तों पिक्चर्स की अगर बात की जाए तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ सैंपल्स हम दिखा रहे हैं जूम करते हुए आगे जाते हुए, और आप देख सकते हैं कि क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी जो है वो अभी भी मेंटेन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों जितना पास जाते हैं इट्स रियली नाइस, वेरी नाइस। और ये दोस्तों AI ऑफ और AI ऑन करके हम आपको एक सैम्पल्स दिखा रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। पर्सनली AI से बहुत ही अच्छे फीचर्स आते हैं, और ये दोस्तों मैक्रो कैमरा के साथ और फ्रंट कैमरा के साथ भी कुछ सैम्पल्स लिए गए हैं, 16 मेगापिक्सल का मोनो, फिर बुक के सभी कुछ बहुत ही अच्छे से काम करता है, और नाइट मोड में स्टैंडर्डाइज लाइटिंग कंडीशन में तो मज़ा आ जाता है। स्टेबिलाइजेशन में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा है, वेरी इंप्रेस्ड विद इट्स स्टेबिलाइजेशन, एंड आप देख ही सकते हैं हमने इसको कुछ ऐसे पिक्चर्स लिए हैं, और ये नॉर्मल दोस्तों नाइट मोड में है, जिस सिर्फ एक पिक्चर है, और ये है दोस्तों नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस, और ये है स्लाइटली लेस लाइटिंग कंडीशंस, एंड इट परफॉर्म्स बेटर देन मोस्ट ऑफ द फोन्स आई हैव सीन। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कोई फ़ोन को, बट इट्स रियली नाइस। और ये दोस्तों थोड़ा बहुत अंधेरा में हम लिए हैं, जीरो लाइटिंग कंडीशंस में, एंड इट हैज़ परफॉर्म वेरी नाइस। और ये दोस्तों नाइट मोड में ली गई है, ट्राइपॉड मोड, स्टडी कैम मोड, और ये दोस्तों डुअल वीडियो का भी सपोर्ट आ जाता है, ओवरऑल वेरी इंप्रेसिव। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस की इसी ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको एक फैंटेस्टिक फोटोग्राफी कैमरा चाहिए, ये 25,000 से स्टार्टिंग होता है, आई थिंक 25-23,000 से ये स्टार्टिंग होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा इसी के कीमत के साथ साथ। और जय जीत माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं एक अच्छा कॉस्ट में तो जाइए वहाँ पे और वहाँ से लीजिए, यस गो एंड बाय फ्रॉम देयर, यू गेट लॉट्स ऑफ डिस्काउंट। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ मेन हाईलाइट्स की अगर बात कीजिए देन कैमरा इज हाईलाइट, और फिर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो हाईलाइट विच आई सो, परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ही अच्छा है, एंड द कलर सी द स्मूथ फिनिश। पर इसमें ना एक ही मुझे प्रॉब्लम आता है, कभी कभार आपका फिंगरप्रिंट्स आ जाता है पर कभी कभार नहीं आता है, जैसे इस वेरिएंट में मुझे बहुत फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं, और ये वाला जो वेरिएंट है इसमें उतना भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक स्मार्टफोन है ये, और इसका ये एक छोटा भाई बहुत ही जल्दी अभी लॉन्च होने वाला है, ओप्पो F19 प्रो, उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन देंगे, इसके साथ कंपेयर करके भी बताएंगे अगर मिला तो, अगर नहीं मिला तो क्या करें दोस्तों। इसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो हो जाती है खत्म, वीडियो को दीजिए लाइक और शेयर, और जय जिन माता जी से जाके फोन ले लीजिए, एंड अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप टेकिंग।